एक और राम राम, एक JBT भर्ती और TGT भर्ती मेवात कैडर का विवाद चल रहा है। इन्होंने रेगुलर भर्ती तो की नहीं और एक NGO के थ्रू भर्ती करने की कोशिश कर रही है सरकार। 500 PRT और 500 TGT, उस पर जो है ना कुछ कैंडिडेट ने स्टे लिया था, जगतार सिंह एंड अदर्स ने, लेकिन EBO केस थम नहीं रहा कितने भी, कदे किससे जज गए कदे किससे जज गए। हालांकि स्टे अभी तक हटा नहीं है, क्योंकि स्टे जब लगा दिया जाता है तो किसी ऑर्डर से वो हटेगा तभी हटा माना जाएगा। हमरबली जो है ना कोर्ट सहमत होगी सरकार की बात से, अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और कुछ समय के लिए कच्ची भर्ती कर सकते हैं ताकि पढ़ाई का काम चला जा सके। और फिर आपको पता है जैसे ये एंट्री कर जाएंगे इनका टाइम बढ़ाते रहेंगे और नई भर्ती की इनको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब इस केस की बात कर लेते हैं। CWP 12442 जगतार सिंह की प्रेजेंट मिस्टर सार्थक गुप्ता इनके एडवोकेट है, श्रुति जैन गोयल DAG। इसमें ऑर्डर क्या आया है, टू बी लिस्टेड बिफोर सम अदर बेंच आफ्टर सीकिंग एप्रोप्राइट ऑर्डर फ्रॉम ऑनरेबल चीफ जस्टिस। और जज साहब का नाम विकास बहल, यानी इन्होंने अपने आप को सुनवाई से एक तरह से अलग कर लिया है और कह दिया भाई किसी और बेंच के आगे इस केस को लिस्ट करो। ये ऑर्डर है जून 27 का, यानी कि कल का, कल ही थी 27, आज 28 है, तो कल ये ऑर्डर आया है लेकिन सटे अभी वैकेट नहीं हुआ है। हाँ, अपॉइंटमेंट पर स्टे है, प्रक्रिया पर स्टे नहीं है प्रक्रिया, इसलिए वो चला भी रहे हैं NGO। इसमें बात करते हैं पिछला जज, अब पिछली बार जब यो केस था 13 जून को, यो लगा GS संधावा लिया गए, फिर जज बदल गया, अब 27 को लगा दिया विकास बहल। इसमें इन्होंने कहा था काउंटर हैज बीन फाइल्ड टू द शॉर्ट रिप्लाई बाई वे ऑफ एफिडेट डेटेड 23/5/2022 विद कॉपी इन एडवांस टू द काउंसिल अपोजिट। यानी कि इसमें सरकार ने अपना रिप्लाई एफिडेविट दे दिया था 23 को और उस पर सुनवाई होनी थी 13 को, लेकिन 13 को भी नहीं हो पाई और उसको 15 डेट दे दी। 15 को भी इस केस का नंबर नहीं आया या इन्होंने सुना नहीं किसी भी तरह ले लो, और ये 27 पर चला गया। अब 27 को इसमें फिर ऑर्डर कर दिया किसी और बेंच पर लगाओ, ये GS संधावालिया जी जज थे इसमें। अब इससे पिछले ऑर्डर की बात करते हैं, वो था 23 का, उसमें वो है बात थी भाई इन्होंने अपना जवाब फाइल कर दिया है CM 7443 में और टेकन ऑन रिकॉर्ड कर लियो बस, इसने एट रिक्वेस्ट एट जनतु 13/6। उस ये भी जज था लीजा गिल जी ने ही स्टे दिया था इस पर। अपॉइंटमेंट इफ एनी परसुएंट टू नोटिस एडवर्टाइज डेटेड 8/5/2022 एनेक्सर A1 टू रिमेन स्टेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ये था 18/5 को, 18 मई को इस पर स्टे लगा था। अब उसके बाद देखो मैंने सिक्वेंसली सारे ऑर्डर दिखा दिए हैं, लीजा गिल ने स्टे किया, उसके बाद अगली तारीख फिर लीजा गिल ने सुना 23 को, उसमें कोई खास कार्रवाई नहीं, रिक्वेस्ट कर दिया इस पर। अब इसमें 13 तारीख को ये सुना गया दूसरी बेंच द्वारा GS संधावालिया, उन्होंने कह दिया 15 को आओ भाई, जवाब तो इनका लिया 15 को, इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये केस लिस्ट हुआ 27 को विकास बैल के पास, विकास बैल जी ने कह दिया कि इसको किसी दूसरी बेंच के आगे पेश करो, लिस्ट करो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो भी ठीक समझे चीफ जस्टिस, उनकी मर्जी है वो किसी और, लेकिन इन्होंने इसको एक तरह से सुनने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने फेक खुद ही ऑर्डर कर दिया भाई दूसरी बेंच के सामने इसको पेश कर, तो कुल मिलाकर भी हालात के हैं। वर्बली तो सरकार ने कोर्ट को भी सहमत कर लिया है, क्योंकि जब जाकर नहीं कहेंगे जी कुछ समय के लिए हम बच्चों का प्रबंध कर रहे हैं, तो कोर्ट ने सहमत होना पड़ेगा। बाकी भाई अभी तक देखो स्टे तो हटा नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल जो कागजा में वो स्टे नहीं हटा, सटे अभी कंटिन्यू है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।